श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध दशमो अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। इससे पूर्व के अध्याय में हमने कुरर पक्षी से लेकर भृंगी कीड़े तक सात गुरुओं की कथा जो कि दत्तात्रेय जी के बनाए हुए थे उसका श्रवण किया। अब आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पांच रात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हों। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच अर्थात पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझ कर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरुओं के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ाकर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति विनाश बड़ाई छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आपका कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता अनित्यता स्थूलता अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अभ्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है,
प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती हैं और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे संविधा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत, काल, वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए, तो देह और संवत्सर आदि काला अवयवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी। क्योंकि तुम देह आदि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई पड़ता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरें ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए बद्ध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी बालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य छीड़ होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं।
वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ याग आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घन घनाकर दिशाओं को गुंजारित करती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएँ करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिराना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगत में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ बस दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नर्क में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुख ही है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है? सारे लोक और लोकपालों की आय भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो परार्ध है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्व, रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती, वह अनेक जान पड़ता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय हैं, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ। उद्धव ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बंधता है? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंध दसमो अध्याय समाप्त।
जय श्री कृष्ण।